नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जेबीटी पोस्ट कोड 721 को लेकर। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर अपडेट आ रही है, तो इस वीडियो में बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं। तो सबसे पहली अपडेट आपके लिए यह है कि आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले जो है हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से शिमला एलिमेंट्री एजुकेशन में एक लेटर भेजा जाता है जहाँ से जो क्लैरिफिकेशन के लिए। लेकिन दोस्तों आज उसका रिप्लाई आप दे सकते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन के द्वारा आज हमीरपुर चयन बोर्ड को यहाँ पर रिप्लाई भेजा गया। तो आप दे सकते हैं, काफ़ी लंबा रिप्लाई है। और दोस्तों मैं रिप्लाई में आपको बता देता हूं कि यहां पे कुछ नया नहीं है। यही है कि जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर है एनसीटी की, आप सभी को पता ही होगा कि ये पूरा का पूरा केस एनसीटी की जो एक नोटिफिकेशन आती है उसी को लेकर है। दोस्तों इसमें यही कहा गया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के द्वारा कि एनसीटी के अकॉर्डिंग और जो भी इसमें पोस्ट के लिए जो एलिजिबल होंगे, बाकी हमीरपुर चयन बोर्ड के ऊपर छोड़ा गया है, जो कि जो भी इसमें एनसीटी की जो गाइडलाइन है, जो उनकी कंडीशन है, उसी के अकॉर्डिंग ये भर्ती की जाए। और बाकी आप सभी को पता ही होगा कि इसमें फर्स्ट टू फाइव टैट इसके लिए जरूरी होता है, चाहे आप सी टैट भी जो है प्राइमरी लेवल का अलग होता है और जो आपके हायर एजुकेशन होती है उनमें आपका टैट अलग होता है। तो एनसीटी के अकॉर्डिंग यही है कि अगर आपके पास फर्स्ट टू फिफ्थ अगर आपके पास टैट है, एचपी टैट है, तो आप जेबीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों आप सभी ने देखा ही होगा कि आज तक जितने भी आपके टैट हुए हैं उसमें कभी भी बीएड को एलिजिबल ही नहीं किया गया है जेबीटी टैट के लिए। तो इस प्रकार से अभी पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट के पास जेबीटी टैट होगा, लेकिन आज तक कभी भी हिमाचल में जेबीटी टैट के लिए टीजीटी यानी कि जिन्होंने बीएड की होती है उनको कभी भी एलिजिबल नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई भी इसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पे अपडेट जरूर दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी अपडेट है वो आपके लिए, उसके ऊपर ले चलते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अभी आपको आज आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डेट जो आपका जेबीटी वर्सेज बीएड केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसको नेक्स्ट डेट आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त, यानी कि आपको 4 दिन के बाद अभी आपका कोर्ट में केस लगने वाला है, यानी कि 10 अगस्त को अभी आपका केस लगने वाला है। तो जो भी उसमें अपडेट आएगा, आप सभी को पता ही होगा कि अभी जो हिमाचल प्रदेश में भी जो भी अभी इसमें हो रहा है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा उसी के अनुसार अभी हिमाचल प्रदेश में भर्ती होनी है। तो अभी आपके लिए अपडेट यही है कि अभी आप 10 अगस्त का वेट कीजिएगा, क्योंकि 10 अगस्त को बड़ी अपडेट इसमें आ सकती है। अगर इसमें जो है जेबीटी या बीएड कोई भी जीत जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट भर्ती होगी। तो अभी के लिए आपके लिए आज की अपडेट यही थी कि अभी आपका 10 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में आपका केस लगना है जेबीटी वर्सेस बीएड का। बाकी हिमाचल पे इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा वो अभी हमीरपुर चयन बोर्ड के ऊपर डिपेंड है और हिमाचल सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट का वेट करना चाहती है या वो रिजल्ट निकालना चाहती है। लेकिन हमारे पास कोई भी इसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको उस चैनल पर अपडेट जरूर कर दिया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको इस भर्ती को लेकर कोई भी क्वेश्चन करना तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।